आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ये वीडियोस तो बहुत ज्यादा देखी होंगी, रियलिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैं आपको बताने वाली हूँ रियल फेस ऑफ फेक फैंस। मैं आपको कहा मेरी आपको अल्लाह आपको कामयाब करे, चीजें करे, और आपने अगले दिन ही वही वीडियो लगा दी। उसके बाद मैं आके आपको छोटी बहनों की तरह मैं आपको ट्रीट कर रहा था, उसकी कदर नहीं की। आपने कहा जी ये इनकी ये है वो है। हमारे घर एक आंटी आई, पता नहीं क्या कुछ पत्थर छत्थर मारे हैं, उसके अलावा कुछ चीज हमारी छली छली का वो मारा है। मैं आंटी के पीछे गया हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था बहुत उस टाइम की। आंटी हरकत करके गई, ऊपर से डिनाई कर रही है। आप प्रिटेंड करते हो कि आप बहुत हार्ड डाई हार्ड फैन हैं। वो फैंस नहीं होते, पहली बात ये। मेरी गाड़ी पे निशान पड़े हैं, मेरे पत्थर के निशान, मतलब किसी के निशान है उसकी, मैं फुटेज लेके किसने किया, मतलब हाउ डिसरिस्पेक्टफुल यू आर। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और दिन शुरू हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास टॉपिक से। अभी उठ के मैंने सारे काम शाम निपटाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है ना ये सबसे ज्यादा जरूरी है बनाना, और आज मैंने आप लोगों से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। खैर चीजें बहुत ज्यादा जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, जैसे जैसे हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं देखते हैं अलग से अलग चीजें आपको अपने बारे में सुनने को मिल रही होती है, अलग से अलग चीजें आप लोग देख रहे होते हो वहां पे, लेकिन उसके पीछे जो रियलिटी होती है ना वो बिल्कुल कुछ और होती है। और मुझे लगता है कि बहुत देर खामोश रह के भी आपको कुछ नहीं मिलता, तो आप लोगों को अपनी साइड जो है ना वो हमेशा रखनी चाहिए। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रही हूं, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि ये मैं आप सब लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं, ये सब लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूं। तो अभी बस वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगी, लेकिन आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कॉमेंट कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज आप भी सोच होंगे कि वाई इकरा कवर्स यू आर सो सीरियस। यस आई एम सो सीरियस, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अभी चलते हैं, बात स्टार्ट करते हैं और फिर आपको पता चलेगा कि बात है किस बारे में। तो भाई चलते हैं नीचे और अरीब को बुलाते हैं और बैठ के बात करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं भाई कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ये वीडियोस तो बहुत ज्यादा देखी होंगी, रियलिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी या रियल फेस ऑफ इकरा कवल। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाली हूं वो मैं आपको बताने वाली हूं रियल फेस ऑफ फेक फैंस। तो अभी चलते हैं और बात करते हैं, लेट्स गो। अरीब जो है वो आ चुके हैं और अब स्टार्ट करते हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अरीब परवेज आ गया है, कोई किसी तरह का मोहताज नहीं है। आपको पता ही है यार मेरा हसीन जमील शकील, हसीन जमील शकील प्लस अरीब पता ही है आपको मेरा कौन मुझसे वाकिफ नहीं है। मैं अपनी बीवी को बहुत ज्यादा रोस्ट करता हूँ यार, मैं शुगर मुगल है बेफिजूल, ये तंग करते रहते हैं। छोटे छोटे फैंस आए थे ना मेरे, ओह छोटे नहीं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मसला नहीं। आई नीड योर ऑटोग्राफ। एक चीज मैं आप सब लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वीडियो जो है वो मेरा बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं किसी को हेट कर रही हूँ, किसी को टारगेट कर रही हूँ, या किसी के बारे में मैं कुछ मतलब बुरा फैला रही हूँ। ये वीडियो मैं बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस वीडियो के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आगे जो मैं आपको कुछ वीडियोस या कुछ चीजें दिखाऊंगी उसमें मैंने कुछ लोगों के जो है वो फेस ब्लर कर दिए हैं, वो ब्लर इसीलिए किए हैं ताकि उनके लिए जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना बने, उनको किसी किस्म का कोई हेट ना मिले। क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के, मैं सिर्फ इस वीडियो को अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ ताकि उन सब लोगों तक ये चीज ये बात पहुंच सके। बहुत से लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, पता नहीं क्या हमारे रियल फेसेस हैं, पता नहीं हम किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं। तो उस बारे में बस मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, तो किसी के लिए हेट नहीं है, किसी के लिए कोई भी चीज नेगेटिव वे में नहीं जानी चाहिए। तो हम इस वीडियो को यहीं से करते हैं स्टार्ट। सर बेसिकली ना हमारे घर पे बहुत फैन आते हैं, माशाल्लाह लोग बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, और इस चीज को बंदा डिनाई नहीं कर सकता। देखिए कोई आता है तो हमारे लिए वो एक जाहिर सी बात है बरकत है, हमारे लिए एक नेमत है, ठीक है जी। हमने ये एक चीज अच्छी चीज समझी जाती है, मेहमान भी है उसको अच्छी तरह हम पेश आते हैं उससे। लेकिन ना बीच में कुछ फैंस बन के आ जाते हैं लेकिन वो फैंस होते नहीं है। अच्छा उनकी वजह से ना हमारे जो रियल फैंस हैं, जो रियल में हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो लोग बहुत सफर करते हैं। कुछ इंसिडेंट्स इस तरह के हुए थे जो के अरीब आपसे डिस्कस करेंगे कि वो क्या इंसिडेंट्स थे जिसकी वजह से ना बहुत से रियल फैंस सफर किया है जिन लोगों ने। हम सिर्फ दो इंसिडेंट आपको आज बताएंगे, ठीक है, सिर्फ दो। इस तरह के पता नहीं कितने हजारों इंसिडेंट हमारे साथ हुए हैं, हमारे घर के बाहर कैमरे लगे हुए हैं, लोग आते हैं पता नहीं क्या क्या करते हैं, बट वो फैंस बन के आते हैं। देखो हमें पता है कि हर किसी को होता है यार किसी का फायदा हो, हम कोशिश करते हैं कि जिसका हम फायदा कर सके करें। हर वक्त बंदा घर पे नहीं होता, करोड़ चीजें होती, गाड़ी नहीं खड़ी होती,
लेकिन लोग, या फिर हम किसी और के साथ गए होते हैं कहीं कहीं और बंदा चला जाता है, निकल जाता है, लेकिन लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो समझते हैं भाई क्या इन लोगों ने कर दिया, क्या हो गया है। और उसके अलावा ना सबसे बड़ी बात, जब आप किसी के साथ अच्छा करो ना और उसके बाद पता चले जी उसने, उसी ने आपके खिलाफ वीडियो डाल दी है, तो ना वो चीज बड़ा दुख होता है, जिसकी वजह से ना, जिसकी वजह से जो रियल फैन है ना वो सफर करते हैं। तो फिर बंदा कहता है यार इन सब ने तो यही करना है, या फिर वो बंदा सी बात है, बंदा एक को सोच कर ना बंदा कहता है यार ये सारे यही करने लग गए हैं। और आजकल तो वीडियोस बहुत ज्यादा फैलने लगे हैं, बहुत, और इतनी ज्यादा वो चीज, इतना वो मुझे पर्सनली इफेक्ट करती है यार, एक चीज मैंने की ही नहीं है और मेरे उसके बारे में इतनी बात हो रही है, इतनी बात हो रही है, जो कि आई थिंक आपको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करती है वो चीज। आप जितना मर्जी डिनाई कर लूं, मैं नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, भाई मैं एक लड़की हूं और मुझे फर्क पड़ता है, आप लोग मुझे प्यार करते हैं मुझे फर्क पड़ता है, मेरे बारे में बुरा बोलते हैं तब भी मुझे फर्क पड़ता है। तो अब सीन ये है कि कुछ इंसिडेंट्स सीन ये है कि कुछ दिनों पहले ना हमारे घर एक आंटी आई, आंटी अपनी बेटी के साथ आई, ठीक है, 10-11 बजे हुए थे, इकरा सो रही थी, मैं बैठ के अपना काम कर रहा था, तो उन्होंने ना बेल देना शुरू की, उन्होंने बेल पे बेल हाथ रख दिया, दरवाजे नॉक कर रही है और इतनी बुरी तरह नॉक कर रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उठा, मेरे ख्याल से 3-4 मिनट लगे होंगे, मुझे 5 मिनट लगे होंगे, मैं नीचे गया, तब तक ना वो आंटी जो है ना निकल चुकी थी। अब ना मैंने कैमरा खोल कर देखा वो आंटी कर क्या रही थी, आंटी के साथ एक बच्ची थी, वो बच्ची शायद मलवाने लाई थी, क्या सीन था, वो आई है, उन्होंने गाड़ी के पीछे गालियां शालियां लिखी है, पता नहीं क्या कुछ पत्थर शत्थर मारे हैं, उसके अलावा कोई चीज मारी, छली छली का वो छिलका मारा है, गाड़ी से निकाल के निकाला है, वो वीडियो सबके आपके सामने प्ले हो रही होंगी, मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा, क्योंकि वीडियोस हमने इसलिए बनाई है। मैं उस आंटी के पीछे गया, मैं निकला वहां से, मैं आपको पहले सारी स्टोरी बता देता हूँ। मैं नीचे दोबारा खोला ना, आंटी ने मुझे दूर से देख लिया, दूसरी रोड है वो आपको ये कैमरे में नजर आ रहा होगा, उधर से मुझे देखा कि मैं बाहर आया हूँ, मैंने देख लिया कि आंटी ने मुझे देखा, वो आंटी आई है वापस। आगे जाके ना एक मोड़ है घर के पीछे, वहां पे कैमरा आपको नजर नहीं आ रहा होगा, वहां पे आंटी को मैंने रोका, मैंने आंटी से पूछा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम, ये आप लेके गई हैं अभी घर के बाहर, एक मिनट जरा वेट करें बाहर आ रहा। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये लिखा है, आंटी कहती है नहीं, मैं गाड़ी से नीचे उतरा, मैंने आंटी को कहा आंटी मेरे पास कैमरे का प्रूफ है मैं आपको दिखाऊं, जब मैंने ये बात की ना कैमरे वाली बात, आंटी ने गाड़ी चलाई है, मैं नीचे खड़ा हुआ था, आंटी ने गाड़ी भगाई है फुल टाइम तेज और भाग गई है। मैं आंटी के पीछे गया हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था बहुत उस टाइम की, आंटी ये हरकत करके गई है, ऊपर से डिनाई कर रही है और अपोलोजाइज करने के बजाय वहां से भाग गई है, और मैं नीचे खड़ा हूँ और मुझे ऐसा लगा था कि मुझे नीचे देने लगी है। मैं उनके पीछे गया हूँ, इस फुटेज पूरी मैंने रिकॉर्ड की हुई है कि कल कोई मेरे ऊपर बात ना आ जाए कि मैंने कुछ ज्यादा की है। मैं उनके पीछे गया हूँ, मैंने रोक लिया उनको, मैंने कहा आंटी रुके गाड़ी रुक, बंद करें, इधर रुके आप, मैंने आपको कहा इधर रुके, सिक्योरिटी आगे खड़ी है आप इधर रुके प्लीज, आप लोगों के घर के पास चीजें लिखी है। आंटी से जाके पूछा आंटी आपने क्या हरकत की है, बेटा मुझे माफ कर दो मेरे से गलती होगी, मैं टीचर हूँ, मैंने बस बच्ची से मिलवाना था। मैंने कहा आंटी आपने 5 मिनट से ज्यादा वेट किया है, आपने किसी को, आप टीचर अपने आपको कह रही है, आपने क्या हरकत की, आप गालियां लिख के जा रही है पीछे, आप गाड़ी के पीछे कुछ ये करके जा रही है, आप गाड़ी में पत्थर मार रही है, पता नहीं क्या क्या चीजें मार रही है, अपने बच्चे को ये चीज सिखा रही है। मैंने उनको ये जब बातें की ना, आंटी को पता नहीं शायद रियलाइज हुआ आंटी को क्या हुआ, आंटी जरा ना वो इमोशनल होगी, सी सी बात है, वहां पर सिक्योरिटी आ गई, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने रोक लिया, अब सिक्योरिटी मेरे से पूछे क्या करें। मैंने कहा इनको जाने दो, मैंने कुछ कोई बात नहीं की, ये काफी दिन पहले की बात है। बात ये है, इस बात बताने का मकसद ये है कि आप किसी के घर आते हैं, अगर कोई बाहर नहीं आया या फिर किसी वजह से वो कुछ कर रहा है, सोया हुआ कुछ भी है, तो आप ये हरकतें करेंगे, आप कुछ भी करेंगे, मतलब आप एक चीज जो मैं मुझे जो आप अपने आपको सबसे बड़ी बात, आप अपने आपको फैन कह रहे हैं, हाँ। आप अगले को नुकसान देके चले जाएंगे, नुकसान क्या, आप साथ बेल दे रहे हैं, साथ आप गाड़ी पे गाली लिख के जा रहे हो, तो पत्थर मार रहे हैं, गालियां लिख रहे हैं, दरवाजों पे मुक्के मार रहे हैं, सुबह 10-11 बजे का टाइम है, तो ये फैंस हमारे हमारे जो इर्द गिर्द वाले लोग है ना, वो इतना डिस्टर्ब है इस चीज से, वो कहते हैं अब क्या होता, हम लोग उनको समझा लेते हैं कि नहीं यार ये हम इस तरह नहीं सकते, हमारे फैन मिलने वाले आते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से ना, जो हमारे रियल फैंस हैं, जो मिलने आते हैं, जो इकड़ा को मिलने आते हैं, मोस्टली वो सफर करते हैं,
क्योंकि जाहिर सी बात है फिर सिक्योरिटी उनको आने नहीं देती, फिर सिक्योरिटी वो हमारे पे नाम लगाती है कि जिन लोगों ने मना किया हुआ ये वो असल में जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं कि क्या हो रहा है सुबह के घर पे क्यों इतना क्राउड रहता है हर टाइम, क्यों बार बार लोग आते हैं और बहुत शोर करते हैं, जो ऑब्वियसली ये एक आपके हमसायों के भी हकूक होते हैं, एक बंदा आके दरवाजा बजा रहा है, शाउट कर रहा है, शोर कर रहा है, ये बहुत बोल रहा है, तो वो साथ वाले इफेक्ट होते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप जो आपके रियल फैन होते हैं ना वो आपको मिलते हैं। मैंने बहुत से लोग इस तरह के देखे हैं जो कहते हैं हम तीन बार आए, चार बार आए, एट द एंड उनसे मेरी मुलाकात हो गई, मैं उनको मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ, मेरे घर पे जो भी आता है जब मैं घर में अवेलेबल होती हूँ मैं उनसे जाके मिलती हूँ। बहुत से मेरे इस तरह के मेरे पास गिफ्ट्स लेके आते हैं, केक लेके आते हैं, अभी काफी सारे अभी हम ये सिवा को कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, दो एग्जांपल दे रहे हैं, इस तरह की पता नहीं कितनी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मेरी गाड़ी पे निशान पड़े हैं, मेरे पत्थर के निशान, पता नहीं किस चीज के निशान है, उसकी मैं फुटेज जाके किसने किया, लेकिन वो बच्चे थे, बच्चे किसी फैमिली के साथ आए थे, मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, बच्चे थे, बच्चों को नहीं पता समझ लगती, उन्होंने किया, मैंने कहा लेट इट बी, जाने तो कोई बात नहीं। लेकिन जो दूसरी एग्जांपल है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लड़की आई हमारे पास, मास्क लगाया हुआ, उन्होंने मेरे घर पे आई, मैंने उनको अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट किया, उनको शाउट आउट चाहिए था, मैंने शाउट आउट दिया, सब कुछ किया। इकड़ा गई थी अपनी अम्मी के घर उन दिनों, ठीक है, तो वो नहीं मिल सकी उनसे, वो फिर कहीं इकड़ा की तरफ भी गई है, तो वो लोग घर पे नहीं थे, तो वो लोग नहीं मिल सके, तो भाईजान बात यह है, रियल फेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी शुरू हो गया। अब वो कुछ दिनों बाद मैंने ना वो वीडियो देखी, यार मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने छोटी बहनों की तरह उसको शाउट आउट दिया, मैंने उसको कहा अल्लाह आपको कामयाब करे, ये करे, मुझे ना बड़ा बुरा लगा। अब वही लड़की ना दोबारा वापस आई, इकरा को पता भी नहीं वो लड़की कौन है, मुझे नहीं ना इकरा ने वो वीडियो देखी हुई थी, वो आज लड़की आई, इकरा ने मुझे कहा कि मैं उससे मिल के आती हूँ, मुझे लगा कि हमने कैमरे में देखा कौन है, मैंने ना गौर से देखा, मुझे पता चल गया वो लड़की, मैंने कहा तुम लोगों मैं जाता हूँ मिल के आता हूँ। मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा आपको मैंने शाउट आउट नहीं दिया था, मैंने उसकी मैंने वीडियो बनाई, मैंने उसका फेस नहीं दिखाया, मैंने आपको पहले बताया किसी ये इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है किसी को पर्सनली टारगेट किसी को हेट मिले या किसी का नुकसान हो, सिर्फ और सिर्फ बताने का मकसद था कि अवेयरनेस हो कि असल में होता क्या है। अभी ये सिर्फ दो स्टोरीज है, इस तरह की पता नहीं कितनी हजारों स्टोरीज है जो होती है, रोज बर रोज होती रहती है, और ये एक चीज है कि जो बंदा इग्नोर करता है, इतना इग्नोर करता है, इतना इग्नोर करता है, लेकिन आजकल तो भाई जान हर जगह खोलो तो भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है हमारे खिलाफ, इकरा के खिलाफ, फैमिली के खिलाफ, इतनी बातें। तो हमने कहा यार हमारा भी फर्ज है, हम भी रियलिटी दिखाएं ये फेक फैंस की कि किस तरह क्या होता है। आप प्रिटेंड करते हो क्या, बहुत डाई हार्ड फैन है, डाई हार्ड फैन नहीं, वो फैंस नहीं होते, पहली बात नहीं होते, वो अपने फायदे के लिए आए होते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हम कहते हैं चलो किसी का फायदा हो जाए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात हर चीज का तरीका होता है। आप किसी के घर आ रहे हो, आपको नहीं मिल पाए, कोई भी कोई मसला हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, उसका मतलब ये आप इस तरह रिएक्ट करोगे, आप वीडियो जाके बनाओगे। मैंने उसको शाउट आउट दिया, वो लड़की आई, मैं उसके पास गया, मैंने वीडियो बनाई हुई है, ताकि मैंने इसलिए बनाई हुई है कि कल को ये लोग मेरे खिलाफ कोई बात ना कर ले कि मैंने कुछ गलत किया, कि मैंने कोई बात की। मैंने उससे पूछा, मैंने आपको आपको मैंने शाउट आउट नहीं दिया था तो आपने ये क्यों किया, आपसे मौजूद मिला था कि नहीं मिला था, मिले थे मैंने आपसे। तो आपका तरीका ये अगर किसी घर के बाहर आ गया उसके बाद ये चीजें बारे में बोलेंगे, आपके घर के नहीं, नहीं बोला आपने, मैं अपनी वीडियो निकाल लूं, आपको जितना अकोमोडेट किया जाए आप लोगों को, आप लोग उससे ज्यादा ही आप अगले के खिलाफ ही बात कर रहे हो, तो आप ढूंढ रहे होते हो ना कि चीज मिले किसी भी तरह आप उसको उसको बुरा दिखाओ। आपको मैं आके यहाँ पे आपको शाउट आउट दे के, आप मुझे याद है आप मास्क लगा के बैठी हुई थी, मैंने आपको कहा मेरी आपको अल्लाह आपको कामयाब करे, चीजें करे, और आपने अगले दिन ही वही वीडियो लगा दी। उसके बाद एक वीडियो उसने कैसे भला लगाई है, मैं आपको कहता हूँ, मैं बारिश हो रही थी, आप ही ने देखा ऊपर से, उधर से चौकीदार है, उसी दो मिनट बाद चौकीदार है, चौकीदार से आप पूछ रहे उधर ना, चौकीदार का नंबर है, आपको पता काम वाली भी होती है, आपको पता काम वाली थी के जाने किसने देखा, आपको पता काम वाली थी वो थी, उनको मैंने कहा कि हमारे ऊपर एक मेड है, हमारी हेल्पर है, आपको पता था कि वो उसने देखा हो, कहता नहीं मुझे कंफर्म नहीं है कि वो इकरा भी थी कि कौन था, लेकिन इस वजह से हमने वीडियो लगा दी। मैंने कहा देखें आपको ये बात कंफर्म नहीं है, आपको मैंने इतने अच्छे से ट्रीट किया, आपको छोटी बहन की तरह ट्रीट किया, आपने जाके लोगों को क्या मैसेज दे दो कि हम लोग पता नहीं कितने बुरे हैं, क्या है आपको ये चीज रियलाइज हुई है। मैंने सोचा था मैं इकरा को ना इनसे मिलवा दूंगा, लेकिन उनकी टोन में एक अपोलॉजी नहीं थी, वो आगे से उसकी दलील ले जा रहे थे। मैंने कहा देखिए मैं इस तरह नहीं मिलाऊंगा, आप तो चले जाएं यहाँ से। वीडियो में ये था कि वो ये बोल, मैंने वीडियो आपको पूरी शो होगी, नजर आएगी, वो कहती है कि मैं उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। मैंने कहा ये कैसी रिस्पेक्ट है, मुझे मैंने उनको भेज दिया, मेरे लिए आपके लिए जनरली मैं आपकी रिस्पेक्ट, अगर रिस्पेक्ट होती तो आप ये चीजें ना कर रही होती, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं आके आपको छोटी बहनों की तरह मैं आपको ट्रीट कर रहा था, आपने उसकी भी उसकी कदर नहीं की, आपने कहा जी ये इनकी ये है वो है, इस तरह नहीं होता। अब मैं करने को हूँ, मैं करोड़ चीजें कर सकता हूँ भाई, यहाँ मेरे कैमरे लगे हुए हैं, मैं दिखाने को हूँ, मैं करोड़ चीजें दिखा सकता हूँ कि लोग
करते हैं क्या मेरी गाड़ी के साथ क्या करते हैं, लेकिन मैंने आज तक ये चीज़ नहीं की, रिस्पेक्ट की है मैंने आप लोगों की, मैं हमेशा रिस्पेक्ट ही करता रहूँ। तो बात यह है कि ये चीज़ें ना किया करें आप, प्लीज़ आज चले जाएँ वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूँगा। गलत चीज़ है, आपने गलत चीज़ की थी, उसकी अपोलोजाइज करें आप पहले, तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे। मैंने कहा आप जब जाके अपोलोजी करेंगे ना, जाके जिस तरह आपने वीडियो लगाई है पब्लिकली, आप इसको बात मानेंगी तो फिर मैं ये बात करूंगा। वो कहते जी ठीक है, वो चले गए। उसके बाद मैंने वीडियो बंद कर दी, नहीं नहीं हम लगाएंगे, हम अपोलोजी करेंगे, हमारी गलती थी। बात ये है कि मैं उनके खिलाफ भी कुछ नहीं चाहता कि हो ना, मैं चाहता हूँ कि उनके साथ कोई बुरा हो ना, इसलिए मैंने उनका फेस भी नहीं दिखाया। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, और एक बात सबसे बड़ी बात, आप किसी को इन्फॉर्म करके तो उनके घर आए नहीं है। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि कोई आने वाला, तो मुझे अभी इस वक्त घर से निकलना चाहिए या नहीं। मैं 100 कामों के लिए निकली होती हूँ घर से। आई एम अ मैरिड वुमन, मैं अपना घर चला रही हूँ, हस्बैंड मेरे काम करते हैं, हम लोग सुबह में अपनी चीजें निपटाते हैं, अपना घर समेटते हैं, फिर हम लोग ये वीडियो वगैरह स्टार्ट करते हैं, अपनी चीजें अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं। लेकिन लोग जो है ना, वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। उनको लगता है कि हम 2400 घंटे घर पे होते हैं और 2400 घंटे हम उनके लिए अवेलेबल होंगे। ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो मुझे मिले भी हैं, जिनसे मैं बाहर आई थी, मैं रोड पे थी, या मैं अगर ऐसे 10 लोग है ना, इस तरह हजार लोग जैसे मिलते हैं डेली हमसे मुलाकात होती है, और वो लोग आके हमें कहते हैं कि हम पहले भी आए थे, तब भी आए थे मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छे से और मिलते वो हैं। लोग आके ये कह रहे होते हैं कि आप लोगों के खिलाफ ये वीडियोस क्यों लग रही हैं आप तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो एक चीज तो ये मकसद ये है कि सिर्फ कुछ व्यूज की खातिर, कुछ इन चीजों की खातिर अगर आप किसी को रिग्रेट करने लगे ना, ये चीज गलत है। इसकी वजह से ना लोग जो आने वाले लोग हैं उनसे बंदा भी मिलने का दिल नहीं चाहता। बंदा कहता है यार इतनी दूर से आए होते हैं, मुझे होता है समटाइम, अगर मुझे कोई कहे मैं फलाने सिटी से आया हूँ, या मैं इस जगह से ट्रैवल करके आया हूँ, या मैं लाहौर के उस कोने से आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे बड़ा अजीब लग रहा होता है कि यार एक लोग आए हैं तो मैं उनको टाइम ना दूं। भाई मैं उनसे मिलती हूँ, मैं उनको टाइम देती हूँ। आप लोगों ने काफी वीडियोस भी देखी होंगी, लोग आके वीडियोस भी हमारे साथ बना के जाते हैं, हमें कोई मसला नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें अच्छा लगता है। और जो हमसे प्यार करते हैं, हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। बस इतनी सी बात है। चीज़ है, एक रिस्पेक्टफुल वे होता है। हाँ। आप उसके दायरे में रह के करें, आपको कभी जिंदगी में कभी हमारे मुंह से उफ भी नहीं सुननी पड़ेगी। इतनी सी बात थी, और ये बात सिर्फ दो एग्जाम्पल दिखाने का मकसद फिर आपको बता रहे हैं, सिर्फ ये था कि अवेयरनेस हो। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बताती हूँ, हर चीज ब्लर होगी। पहली बात ये, हम इस वीडियो से ब्लर करेंगे, किसी के लिए कोई हेट नहीं, किसी के लिए कोई नुकसान नहीं, बस सिर्फ अवेयरनेस है कि ऐसी कोई मसला नहीं है, लेकिन गलत बातें ना फैलाएं। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे अब ये बात अरीब को नहीं पता, ये मेरे घर पे सिस्ट्रोलॉजी हाउस की मैं बात कर रही हूँ। मेरी बहनें एक यूनिवर्सिटी जाती है, एक स्कूल जाती है, बाकी तो बिजी है, मामा के साथ कोई निकली होती है। पापा उस दिन अकेले घर थे, कुछ फैमिली आई है मिलने के लिए, और पापा उनसे बहुत अच्छे से मिले हैं। पापा ने उनको शाउट आउट दिया, हर चीज दिया, उनके व्लॉग में वो चीज है। उसके बाद जैसे ही अरीब, आपने पता नहीं शायद वो वीडियो देखी, मुझे एक चीज बहुत बुरी लगी कि पापा ने गेट बंद कर दिया, इन लोगों ने कहा कि हीरा है, फातिमा, उन्होंने कहा नहीं, जाहिर होती हैं तो क्यों नहीं मिलती हैं, अगर वो घर पे हैं तो। वो नहीं मिली तो ये लोग निकली हैं वहां से, पापा के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ है, कोई चार कदम आगे चल के पापा के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट हो गई है। अब इन पे हम मीम्स बनाएंगे, अब इनको हम ये बताएंगे, इनका मुंह कैसा, ये ऐसे है, ये वैसे है, मतलब हाउ डिसरिस्पेक्टफुल यू आर कि आपको इतना नहीं पता कि मुझे ये चीज, मुझे अपने बारे में शायद सुन के इतना बुरा नहीं लगता जितना मुझे जब आप मेरे पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं या आप मेरे फादर के बारे में बात करते हैं तो मुझे बुरा लगता है। तो वो चीज मुझे बड़ी गुफ, मैंने भी पापा से कहा कि अगर आप इससे बेहतर है फिर आप ना जाओ, लोग आपके बारे में मिलके भी जब इतना सब कुछ बोल रहे हैं तो जरूरत नहीं है। देखो एक चीज अफेक्ट करती है आपको। बात बताने का मकसद यही है कि इस तरह के लोग भी होते हैं, दो मिनट बाद जिनकी वजह से इस तरह के मसले होते हैं, और फिर जो रियल में मिलने आते हैं, जो रियल में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे बंदा मिल नहीं पाता उस तरह से मिल नहीं पाता। That's it। और कोई मकसद नहीं, सिर्फ बात को करने का, इस टॉपिक को बताने का मकसद यही था कि रियल फेस और ये फेक फैंस है ना, आप लोगों को एक बार चले कि ये होता क्या है। हाँ। वजह क्या, इसके पीछे रीजंस क्या है, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इन सबके साथ होता है। मैंने जो मेरे रियल फैंस हैं, बेसिकली दिस वीडियो इज फॉर देम कि भाई मुझसे 100 दफा मिलेंगे, जहां मिलेंगे मैं आपसे बहुत अच्छे से मिलूंगी, मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी ये जो सिस्ट्रोलॉजी आर्मी है ना, ये आप लोगों की वजह से स्ट्रांग है, और इंशाल्लाह इसको हम बहुत जल्द जो है वो बढ़ाते जाएंगे और अपनी सिस्ट्रोलॉजी आर्मी को इसी तरह से। कुछ लोग बस ग्रोथ नहीं देख सकते, कुछ लोग बस वो प्रिटेंड करके आते हैं और उस चीज को में गन फैलाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं, उनका और कोई काम नहीं होता। इसीलिए आप सब लोग इसी तरह से मुझे प्यार करते रहे, जैसे आप लोग सपोर्ट शो करते हैं, मुझे अच्छा लग रहा होता है जब इंस्टाग्राम पे भी आके कोई कमेंट बॉक्स में बोल रहा होता है और मेरी पूरी आर्मी आके उनको पढ़ जाती है, या उनको आके जो है वो बता रही होती कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है। तो थैंक यू सो मच गाइज, इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी को प्यार करते रहे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको जो है वो अच्छी खासी अवेयरनेस मिल गई होगी। तो मुलाकात होती है आपसे।
सब हमारे यार बहन भाई हैं, फैमिली है हमारी भाई, फैमिली है, इस तरह का कोई मसला नहीं है। और ये वीडियो भी जाहिर सी बात है, फिर एक बार कहने का मकसद ये है कि किसी के लिए कोई हेट नहीं है, और आपने किसी को हेट नहीं देना बिल्कुल भी ना। अगर आपको पता चल भी जाए कौन है, लेट इट बी, इग्नोर दैट से, और ऐसा हम करते हैं। और ये वीडियो हम अभी इसके बाबत नहीं, वो शायद व्यूज की खातिर जो आप वीडियोस भी बनाए, तो हमारी ये पहली और आखिरी वीडियो, हम इन चीजों पे पढ़ते ही नहीं है, ना हमें शौक है इन चीजों में पढ़ने का। सो दैट्स इट। तो जी गाइस, इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें रखिएगा याद अपनी दुआओं में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।